लिटरेसी को इवॉल्व करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से मिली, हमें ये मोटिवेशन कहां से मिला? तो ऐसा नहीं है कि पंचायती राज टाइप की सिस्टम हमारे यहां पे पहले प्रेजेंट नहीं थी। अभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहां से हमें पता चलेगा कि पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई इंडिया में। इवोल्यूशन। तो पंचायती राज टाइप की सिस्टम जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम जिसे कहते हैं, वो वैदिक एरा से स्टार्ट हुआ है। यस, आपको यू विल बी शॉक टू नो कि ये वैदिक एरा से चलती आ रही सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर एपिक की अगर हम बात करें, महाभारत रामायण, उसके अंदर भी इसका उल्लेख है। फिर एंशियंट इंडिया के अंदर भी इस टाइप की सिस्टम थी, मिडिवल इंडिया में भी ये यही सिस्टम देखने को मिलती थी। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज चलता था मॉडर्न इंडिया के अंदर, तो वहां पे भी पंचायती राज सिस्टम अवेलेबल थी। सो प्री इंडिपेंडेंस भी थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये पंचायती राज सिस्टम हमें देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की आदत हमें सदियों से है। हाँ, बीच में थोड़े फेज ऐसे आए कि जहां पे ये सिस्टम जो है वो वीक हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुई। सो एंशियंट इंडिया। तो सबसे पहले जब वैदिक एरा की हम बात करते हैं, तो कुछ संस्कृत स्क्रिप्चर्स के अंदर एक टर्म देखने को मिलती है। द टर्म इज पंचायतन। पंचायतन का मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पांच लोगों का एक ग्रुप होता था, उसके अंदर एक ब्राह्मण या फिर किसी भी स्पिरिचुअल व्यक्ति को बिठाया जाता था, और वो पांच लोग मिलके उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के डिसीजंस लेते थे। और ये जो पांच लोगों की समिति कमिटी है, तो उसको क्या कहते थे? पंचायतन कहते थे। तो वैदिक एरा के टाइम पे संस्कृत लिटरेचर के अंदर ये पंचायतन का कंसेप्ट देखने को मिला। फिर धीरे धीरे इसमें से स्पिरिचुअलिटी जो है उसको हटाया गया। ऋग्वेदा के अंदर इसी टाइप की कमिटी के लिए अलग अलग टर्म्स जो है वो यूज हुई है, जिसके अंदर समिति भी कहते थे, जिसको सभा भी कहते थे, जिसको विधाता भी कहते थे। अब ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, उसके अंदर थोड़े बहुत आपको हिस्ट्री के कंसेप्ट भी देखने को मिलेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री का पार्ट है वो भी प्रिपेयर होता जाएगा। तो समिति, सभा, विधाता, इस टाइप की टर्म्स ऋग्वेदा के अंदर भी देखने को मिली है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। फिर उसके बाद जब हम एपिक्स की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर दो फेमस एपिक्स है, रामायण एंड महाभारत। तो जब रामायण की बात करते हैं, तो रामायण के अंदर दो टाइप के लोकल एरियाज को मेंशन किया गया है। एक को कहते थे पुर और दूसरे को कहते थे जनपद। दिस पुर इज रिलेटेड टू अर्बन एरिया। कोई सिटी होता है, टाउन होता है, तो उसे पुर कहा जाता है। जैसे अहमदाबाद में बहुत सारे एरियाज है, कालूपुर है, शाहपुर है, खानपुर है, मिर्जापुर है, राइट? तो ये पीछे जो पुर आता है उसका मतलब क्या है? इट इज अ टाउन, इट इज एन अर्बन एरिया। और जनपद जो है वो विलेज एरिया हुआ करता था, रूरल एरिया। तो रामायण के अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। फिर रामायण के अंदर ये भी कंसेप्ट है कि कास्ट पंचायत का कंसेप्ट देखने को मिला। कास्ट की अलग अलग पंचायत होती थी और उसके हेड भी होते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे ये था, ये दोनों के अंदर, कि राजा को जब भी कोई डिसीजन लेना होता तो वो इस पंचायत को कंसल्ट करते कि आपके लोकल एरियाज के अंदर इश्यूज क्या है, हम उस तरीके से आपको फंड्स अलोकेट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। हम देख सकते हैं कि सदियों पहले ही लोकल गवर्नमेंट जो है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था। कास्ट पंचायत के अंदर जो हेड होता था उसको राजा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी बिठाया जाता था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब महाभारत की बात करते हैं, तो उसके अंदर महाभारत के जो अलग अलग पार्ट है उसको पर्व कहा जाता है। तो उसके अंदर एक पर्व है शांति पर्व, उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि महाभारत के टाइम में विलेजेस जो है उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था। 10 गांव का ग्रुप, 20, 100 एंड 1000 गांव के ग्रुप्स। अब उसके जो हेड थे उनको अलग अलग टर्म्स दी जाती थी। जैसे 10 गांव के हेड है तो उनको कहा जाता दशप, फिर 20 गांव के हेड है तो उनको कहा जाता था विश्याधिपति,
तो इस टाइप के अलग अलग ऑफिशियल्स बनाए जाते थे। अब उनका मेन काम क्या था कि लोगों के पास से टैक्स कलेक्ट करेंगे और उसके बदले में लोगों का रक्षण करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, उनका मेन काम ये था। तो हम देख सकते हैं कि वहां पे भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद मनुस्मृति के अंदर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेंशन मिलता है। फिर जब मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, जहां से विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी अर्बन एरिया को पूर कहते थे। और अर्बन एरिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट के लिए जो चीफ ऑफिशियल बनाया जाता था उसे कहते थे नगरिक। नगर का मतलब भी क्या होता है, अर्बन एरिया, इट इज अ टाउन। तो उसके चीफ ऑफिशियल को क्या कहते थे, नगरिक कहते थे। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य के अंदर भी ये देखने को मिला। फिर जो मेजर डायनेस्टी आती है वो है गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, उसके अंदर भी अर्बन और विलेज एरिया को बांटा गया था। जो अर्बन एरिया के हेड थे उसको कहा जाता था विश्याधिपति, और जो रूरल एरिया के हेड थे उनको कहा जाता था ग्रामपति। तो हम देख सकते हैं कि तब भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। एंड देन अगर हम ये पूरे एंशियंट इंडिया के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, तो देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बट जैसी अभी सिस्टम है कि वुमन को रिजर्वेशन मिलता है, उस टाइम पे ऐसा कोई रेफरेंस अभी तक मिला नहीं कि ये पंचायत जो है वो वुमन चलाती थी, औरतें इसके हेड के तौर पे काम करते थे, ऐसा कोई रेफरेंस अभी तक मिला नहीं है। सो दिस वॉज द इवोल्यूशन ड्यूरिंग द एंशियंट इंडिया। बीच में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। देन मिडिवल इंडिया की बात करते हैं। तो मिडिवल इंडिया के अंदर जब सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुआ, तो सल्तनत के अंदर भी ये जो लोकल एरियाज थे उसको विलायत कहा जाता था। विलायत, अब जो विलायत है उसके अंदर अलग अलग लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। जैसे मुकादम है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किए जाते थे। फिर पटवारी जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपॉइंट किए जाते थे। एंड फिर चौधरी होते थे वो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए होते थे। डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सल्तनत पीरियड के अंदर भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस था। फिर क्या हुआ, जब मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ तो मुगल पीरियड के अंदर कास्टिज्म और ये सब चीजें इंक्रीज होने लगी। मतलब उन्होंने रिलीजियस डोमिनेंसी की पॉलिसी अपनाई, सोसाइटी जो है वो काइंड ऑफ फ्यूडल सोसाइटी थी। तो तब जाके ये जो रूरल सेल्फ गवर्नेंस है वो धीरे धीरे कम होता गया। सो ड्यूरिंग द मुगल एरा कास्टिज्म एंड फ्यूडल सोसाइटी वीकंड द एलिमेंट ऑफ रूरल डेमोक्रेसी एट द पंचायत लेवल। मिडिवल इंडिया के अंदर भी हमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि पंचायत के हेड के तौर पे कोई वुमन, स्त्रियां जो है वो काम करती थी। सो दिस वॉज अबाउट मिडिवल इंडिया। अब जो मेन फेज आता है वो है ब्रिटिश इंडिया का। अब अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो 1870 तक ऐसा हुआ कि ये जो रूरल सेल्फ गवर्नेंस है उसका स्ट्रक्चर काफी वीक हुआ करता था। उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसको कोई इंपॉर्टेंस देता नहीं था, उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं थे 1870 तक। सो लॉर्ड मेयो जो है उन्होंने 1870 के अंदर अर्बन म्यूनिसिपालिटीज के लिए एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया, अर्बन म्यूनिसिपालिटीज की, हाँ म्यूनिसिपालिटीज के लिए इलेक्शंस होने चाहिए, वहां पे उनको कुछ पावर्स मिलने चाहिए, उनके कुछ फंक्शंस उन्होंने डिफाइन किए। तो अर्बन म्यूनिसिपालिटी वॉज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस बाय द लॉर्ड मेयोज रिजोल्यूशन 1870। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड लॉर्ड मेयो डू सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये तो अच्छा काम है, तो या तो सवाल ये है कि क्या अंग्रेज अच्छे थे या फिर ये अच्छे थे कि इन्होंने अच्छा काम किया। और अगर मान लो कि इन्होंने ये बुरे थे तो इन्होंने ये अच्छा काम क्यों किया।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? Why did he introduced local self-government in the urban municipalities? इसका जो भी आंसर देगा, ये आंसर देने के लिए आपका जिंदा दिमाग चाहिए। अगर यहां पे आप इस चीज का आंसर दे सकते हैं, दैट मीन्स यू हैव द माइंड रेडी टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। बताइए, डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, यस इट इज करेक्ट। उसके अलावा टू अंडरस्टैंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यस ये भी है। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन, थोड़ा इलेबोरेटेड आंसर दीजिएगा। रेवेन्यू कलेक्शन वॉज ऑलरेडी देयर, वो ऑलरेडी हो ही रहा था, ठीक है, हर प्रोविंसेस में हो रहा था, अलग अलग सिस्टम्स जो है वो हर प्रोविंसेस में काम कर ही रही थी। क्यों अर्बन म्यूनिसिपालिटीज को स्टेच्यूटराइज किया गया? लोकल्स नो द एरिया बेटर टू मेक स्ट्रॉन्ग होल्ड इन विलेज फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एट लोकल लेवल। आपके जो आंसर्स है वो जनरलाइज्ड है, जैसे मेंस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जनरलाइज्ड आंसर है। आई नीड अ प्रॉपर स्पेसिफिक रीजन। ओके, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। रूरल अर्बन गैप बनाने के लिए टू एफिशिएंट वर्किंग ग्रेटर लेवल सो दैट द कंट्री कैन लीड अ बेटर स्टेज टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन ये है कि क्यों इसने ऐसा किया, अर्बन म्यूनिसिपालिटीज के लिए क्यों रिजोल्यूशन लाया? ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर दे रखा है, अब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, ये हर जगह पे मैंने ईयर जो है वो मेंशन किया है, ईयर मेंशन, यस यस। अब किसी ने कुछ जाके कुछ कहा कि आफ्टर 1857 वॉर इफेक्टिव कंट्रोल, आपका आंसर थोड़ा बहुत अधूरा है। अब ईयर मैंने क्यों मेंशन किया है, इससे पहले क्या हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। So, जब रिवॉल्ट हुआ तो उस वक्त हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन सामने की साइड हमने अच्छा खासा अटैक किया, उनकी जो पावर थी उसको हमने वीक कर दिया। उन्होंने एक नई सिस्टम यहां पे एस्टैब्लिश की, ये क्राउन रूल जो है वो एस्टैब्लिश किया। अब जब नई सिस्टम यहां पे एस्टैब्लिश होगी, उनको इतना सारा खर्चा हुआ है तो खर्चा निकालेंगे कहां से? तब जाके उनको ये ख्याल आया कि अब जब हमें खर्चा निकालना है, क्यों, लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जो लोकल पॉपुलेशन है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो क्यों ना उनके ही पैसों से उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। दिस वॉज द मेन इंटेंशन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस रेजोल्यूशन, कि अर्बन म्यूनिसिपालिटीज बना देते हैं, उनको अथॉरिटी दे देते हैं कि लोकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो लोग, और उसके बदले में लोकल पीपल जो है उनके पास से टैक्स कलेक्ट होगा। इट वॉज अ डिफरेंट टैक्स। अब यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो लोकल सर्विसेज के लिए यूज होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें सर्विसेज मिल रही है, लेकिन उनका इंटेंशन ये था कि 1857 के अंदर जो एक्सपेंस हुआ है उसको कंपेंसेट कैसे करें, क्योंकि पूरी इंडिया के अंदर एक नई सिस्टम एस्टैब्लिश हुई है, हमें भी प्रॉब्लम पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम को कंपेंसेट करने के लिए ये अर्बन म्यूनिसिपालिटीज के पास से पैसा जो है वो लिया जाए। दिस वॉज द मेन इंटेंशन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग सच रिजोल्यूशन। और ये आंसर आपको तभी आएगा जब आप दो चीजों को जोड़ेंगे। दिस इज वॉट आई एम सजेस्टिंग यू, यू नीड टू कनेक्ट बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। आपको जो इवेंट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम किताबें पढ़ते जाते हैं लेकिन किताबें के अंदर जो लाइंस है वो पैरेलल है, आपको उसको जोड़ना पड़ेगा।
आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 1870 के अंदर ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन एरिया के अंदर, उसका बेस बनाया गया। उस बेस को स्ट्रांग किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। 1882 के अंदर उन्होंने भी एक रिजोल्यूशन जो है वो पास करवाया, विच प्रोवाइडेड फॉर द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी क्या होगी, 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। अब उस लोकल बॉडी के अंदर एक चेयरमैन होंगे जिसका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होगा। तो इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, हेंस इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, ये आप लिख लीजिएगा, मैग्ना कार्टा फॉर इंडियन डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा फॉर इंडियन डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन का जो रिजोल्यूशन है वो इस नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद 1907 के अंदर रॉयल कमीशन ऑन सेटलाइजेशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे सीईएच हॉबहाउस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने विलेज पंचायत के ऊपर ध्यान दिया। यहां तक जो चीज है वो अर्बन एरियाज के ऊपर फोकस कर रही थी, पहली बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने विलेज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ध्यान दिया। ही पुट एम्फेसिस ऑन विलेज पंचायत, और यहां से इसका बेस बना कि विलेज पंचायत भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। फिर 1919 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। उसके अंदर ये लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट जो है उसके लिए अथॉरिटी दी गई प्रोविंसेस को, प्रोविंसेस के ऊपर छोड़ दिया कि आपको आपके प्रोविंस के अंदर अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ, 1925-26 तक की बात है, कि बहुत ही कम प्रोविंसेस ने अपने यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की। सो दिस वॉज द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, हाउ द बेस ऑफ पंचायत एस्टैब्लिश्ड। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये पंचायत या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो दो जगह पे मेंशन था उसका, आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 246 के अंदर। आर्टिकल 40 में ये लिखा था, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि देश की गवर्नमेंट जो है वो विलेज पंचायत को एस्टैब्लिश करने का ट्राई करेगी और उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तौर पे काम करने के लिए जो भी पावर्स एंड फंक्शंस चाहिए वो देने चाहिए। अब आप सबको पता है कि ये डीपीएसपी जो है इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो दूसरा एक आर्टिकल था आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के अंदर क्या कहा गया कि ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है अगर किसी भी स्टेट के अंदर एस्टैब्लिश करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। मतलब उनके पास ये पावर है, अगर चाहे तो अपने स्टेट के अंदर इस टाइप की सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो दिक्कत यहीं पे थी कि क्यों ऐसा किया गया, बिकॉज देयर वॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। आज एक महानुभाव का जन्मदिवस है, बर्थडे है, किसी को पता है किसका है? क्या बात है, वेरी गुड, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। अब क्या आपको पता है कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर वॉज अगेंस्ट दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो इसके फेवर में नहीं थे। अब क्यों फेवर में नहीं थे वो तो अलग ही डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स है। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था कि जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सभी लोग ठीक से सहमत नहीं हो पा रहे थे। तो फिर अंत में इसका कंक्लूजन ये आया कि एक काम करते हैं, इसको पार्ट फोर के अंदर ऐड करते हैं, पार्ट फोर दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि जब चाहे तब इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन आएगी कि इसकी जरूरत है तब जाके गवर्नमेंट जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स थे दे हैव फार साइटेडनेस, उनके पास ये क्वालिटी थी कि वो दूर का देख सकते थे कि अभी जरूरत नहीं है
बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब जाके गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेगी. हेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इट वॉज इंक्लूडेड इन दी पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 246. आर्टिकल 40 के अंदर ये कहा गया है द स्टेट शुड एंश्योर दैट देयर इज द स्टेट शुड एंड्योर टू एस्टैब्लिश विलेज पंचायत्स एंड गिव देम पावर्स एंड फंक्शंस टू वर्क एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा काम करना चाहिए. एंड 246 के अंदर ये कहा गया है कि इस टाइप की इंस्टीट्यूशन अगर एस्टैब्लिश करनी है तो अथॉरिटी किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी. अपने अपने स्टेट के अंदर वो पंचायती राज एस्टैब्लिश कर सकते हैं. अब फिर ऐसा हुआ कि 2 अक्टूबर 1952 उसके अंदर, अब आपको पता है कि जब भी गांधी जयंती होगी तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा लगता ही है कि नहीं हम कुछ नया करते हैं. ठीक है, जैसे उस टाइम पे भी नया किया था, 2014 में भी गांधी जयंती के ऊपर नया किया था, राइट. तो गांधी जयंती एक ऐसा अवसर आता है कि गवर्नमेंट को अपनी मतलब खुल के बात कहने का मौका मिलता है. तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने 1952 के अंदर 2 अक्टूबर के दिन ये एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब जो समाज के वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ये विलेज एंड लोकल पंचायत जो है उसको उभरने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया. फिर 1953 के अंदर उसको एक्सटेंड करना था तो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953. 5 साल हो गए, 4-5 साल, और उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा कि इसका कोई फायदा तो मिल नहीं रहा. तो प्लानिंग कमीशन के अंदर जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उसने सोचा कि इसके ऊपर कोई कमेटी बिठाई जाए कि वो देखे कि हमारी ये जो प्रोग्राम है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. तो तब जाके उन्होंने एक कमेटी को एस्टैब्लिश किया, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी. और ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो इश्यूज दिए कि आपके ये दोनों प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर पॉलिटिशियंस का इंटरफियरेंस ज्यादा है, ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोकल लेवल की जो पंचायत है वो ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उनके पास जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड. तो इन सब इश्यूज की वजह से आपके प्रोग्राम जो है वो काम नहीं कर रहे. गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ ये सब इश्यूज वगैरह छोड़ो, हमें सॉल्यूशन बताओ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका. तो मेहता जी ने बताया कि भाई इस टाइप का पंचायती राज सिस्टम जो है आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए, तब जाके इसके अंदर कोई सॉल्यूशन आ सकता. तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि अलग अलग कमिटीज ने जो रेकमेंडेशन दी इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए.